नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले कि कैसे आप अपने घर बैठे हुए आप अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कतोनी का सर आपको जो भी चाहिए होता है, आपने कोई पेड़ काटना है, आपने कोई कुछ भी करना है, ठीक है, जैसे पटवार खाने में अगर आपको जाना पड़ता है किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए तो अब आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम आपको बताएंगे उसके बाद शायद आपको ना जाना पड़े। और अगर आप सीख गए इसको तो फिर हो सकता है कि आप लाइफ टाइम इसके लिए आप पटवार खाने का दर्शन आपको ना करने पड़े। तो बात हम करेंगे आज कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऐप कौन सी है। तो आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है, आपको वहां पर जाकर ये ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। ये ऐप है वेलकम टू हिमभूमि, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ऐप है एक। अब पहले नंबर पर जो आ रहा है ब्यू केबत खतौनी खसरा नेम बेस्ड लैंड रिकॉर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम अब आ रहे हैं, ठीक है। 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट जो है बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, ये डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैं कर देता हूँ शिमला, ठीक है। शिमला का हम जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा, ठीक है। शिमला का ये चौपाल ही रहने देते तहसील, ठीक है। उसके बाद हम अब जो मेन है कि विलेज कौन सा है, तो विलेज कर देते हैं हम कोई भी, इसमें सर्च या अनुई कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद आपको गुमराह करना नहीं है या किसी का लैंड रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है। हम सिर्फ आपको बताने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे ताकि आपको टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल सके। उसके बाद एयर जो है जमाबंदी कब हुई थी तो वो आपको सर्च करना है, ठीक है। 2003 में हुई थी, 8 में हुई थी, 2013 में, ठीक है। जैसे शिमला चौपाल तहसील है और जो विलेज इसका रिकॉर्ड है सिर्फ, ठीक है। अब हो सकता है कि चंबा का या मंडी का हम कर देते हैं या कांगड़ा का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो हो सकता है उनकी ये जमाबंदी का एयर जो है वो अलग अलग मिल जाए आपको, ठीक है। तो हम आपको कर देते हैं यहाँ पर 2008 या 2008 कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, उसके बाद आ गया जमाबंदी रिपोर्ट टाइप में, देखिएगा रिपोर्ट टाइप में देखिएगा जमाबंदी सारजा, और फिर ऑप्शन में आ रहा है खेबत खतौनी खसरा नेम। अब खेबत पे करेंगे तो आपको यहाँ पर खेबत नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिएगा तो क्या नंबर है वो आपको पता नहीं होगा, जहाँ तक हमें लग रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब खतौनी पे कर देते तो फिर वही आएगा कि खतौनी नंबर आपको डालना पड़ेगा। अब ये भी नहीं पता आपको, फिर खसरा नंबर आपको ये भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेम पे क्लिक, ठीक है। नेम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेम आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, अपने जो फादर नेम जिनके नाम पे जगह आपकी ज़मीन है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ऐसे ढूंढ सकते हैं। अगर ऐसे आपको पता है कि आपको बहुत टाइम लगेगा कई लोगों के जो आपके फादर नेम से या जो भी आपके लैंड रिकॉर्ड जिनके नाम पे उनके नाम से मिलते होंगे, तो अब हम करेंगे दूसरा तरीका, ठीक है। जैसे ये हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि इस टाइप से हो जाएगा, परंतु अगर ऐसे अगर आपको नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना हिंदी में कर दीजिएगा। मान लो कि हम लिख देते राजकुमार, ठीक है, तो राज तो यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है, ये रामू और र से जो भी रामलाल पुत्र, ये नंद कुमार, ये आगे, ठीक है, बीरू राम। तो इस प्रकार से ये हम अब इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहे, ठीक है। डाउनलोड जमाबंदी पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये डाउनलोड हो जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है। आपको डायरेक्ट हम करके दिखाएंगे अभी के अभी कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब व्यू पे करेंगे हम क्लिक और इसको कर देना हमने ओपन, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये जमाबंदी का दिखेगा ये पूरा रिकॉर्ड अब आ गया, ठीक है। हम इसको जूम करके नहीं बताएंगे क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आप चाहे तो उसको खुद प्राप्त देख सकते हैं, परंतु हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश से अगर आप हो और आप अपना लैंड रिकॉर्ड खुद चेक करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ये चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। डिजिटल साइंड बाय डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, तो जो डिजिटली साइंड है वो भी इसमें किए हुए हैं, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इस पे कोई आपको पटवारी के सिग्नेचर या कोई किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डिजिटल साइन इसमें हुए हुए हैं, ठीक है। अब जो रसीद संख्या वो भी आपको आ रहा है, ठीक है, पटवार वृत्त का नाम जो पटवार सर्कल है वो भी आ रहा है इसमें। अब जो कानून गो का जो कानून वृत्त है इसका वो भी आ रहा है, ठीक है। आदबस्त नंबर अब आपको इसकी स्क्रीन पर आ गया, सीखते ये नंबर है मोहाल क्या है और टाइम क्या था, कब ये डाउनलोड किया हमने, तो वो सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है
आई होप कि आपको पता लग गया होगा। अब आप चाहे चौपाल करो या शिमला करो या मंडी करो, अब जो शिमला का हमने कर दिया ठीक है, अब सिरमौर का हम दिखाने का आपको ट्राई करते हैं। अब सिरमौर से कह दीजिएगा आप विलेज कोई भी ले लीजिएगा इसमें ठीक है, तहसील कर लीजिएगा सिलेक्ट, तो इस पे फिर आप जमाबंदी एयर करेगा ठीक है। तो इसमें 1999 की भी जमाबंदी हुई है, इसको आप कर देंगे। उसके बाद फिर गेट वेस्ट रिकॉर्ड आपने सर्च करना है यहाँ पर, और फिर सेम वैसे ही आ गया ठीक है। केबत कतूनी खसरा आपको पता है कि नेम पे आपने सर्च करना है, अगर आपको कतूनी नंबर पता है तो आप कैसे आप कर सकते हैं इसको आपको पता है ठीक है। फिर उस प्रकार से आपको नेम वगैरह भरना पड़ेगा यहाँ पर, और या फिर आप ऐसे ही सर्च कर लीजिएगा आपका जो नेम है जिसके नाम पे जगह है वो आ जाएगा। उसके बाद पुत्र किसका नाम कौन से उनके आपके दादा का नाम या जिसके भी नाम पे है वो उनके पापा उनका नाम आ जाएगा ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं ठीक है। नरेंद्र कुमार कर दिया हम, अब आपने क्या करना है व्यू शारजा पे क्लिक करना है ठीक है। फिर आप डाउनलोड शारजा पे क्लिक करिएगा, फिर ओपन पे आप कर दीजिएगा, आप इस प्रकार से पूरी रिकॉर्ड इसका चेक कर सकते हैं ठीक है। तो ये थी आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जानकारी से आप संतुष्ट है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि किस प्रकार से आप घर बैठे अब लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश का आप खुद चेक कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हिम तक मेरे साथ इस चैनल पर, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।